कहाँ गया, कुछ भी ना गया, उसको सूरत भी ना देखी हमने। मेरा तिवारी थी, इधर आया भी चला आया। वोट का काम होता है ना, ये जब ही आते हैं उससे पहले ये देखती नहीं, जनता मर गई है जी रही है। 10 साल मोदी जी के आपके लिए कैसे अच्छे दिन ना रहे? अच्छे ना रहे ना। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में उतरे हुए हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता किसे अपना सांसद देख रही हो, कितना 10 साल में इन सांसदों ने अपने क्षेत्रों के लिए काम किया, कितना विकास किया। तो यहाँ पर मौजूद है, और जैसे की भाजपा लगातार कह रही है की इस बार 400 पार, और वही इंडिया गठबंधन कह रहे हैं कि इस बार तो मोदी जी को हटाना है और भाजपा मुक्त करना है। तो यहाँ पर सीधा जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता में चुनावी माहौल क्या है और क्या क्या मुद्दे और क्या क्या सहूलियत देख रही है। अम्मा ये बताइए, मनोज तिवारी ने काम किया है? कहाँ गया, कुछ भी ना गया, उसको सूरत भी ना देखी हमने। मेरा तिवारी थी, इधर आया भी चला आया। गाना गाते हैं वो? हाँ, गाना गा रहे। पिंकी का बाप, पिंकिया का बाप है ना, पिंकिया का बाप, टिंकिया के पापा। हाँ, टिंकिया के रिंकिया के पापा। हाँ, क्या करा उसने? कुछ भी ना करा। हिंदू मुसलमान करे, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। सिंगर बन गए 10 साल में? वो तो कह रहे मैंने बहुत विकास कर दिया। कहाँ करा? अपने गाँव में करा होगा ना, क्या जहाँ पे उसकी कुर्सी होगी वहाँ करा होगा विकास। अच्छा, सीट यहाँ से विकास कहीं और कर रहे हैं? और क्या, सीट कहीं और, कहीं यहाँ की जीत लो, कहीं और जाके कर दो विकास। अच्छे दिन आए आपके? ना, हमारे तो अभी दिन ना रहे जो उनसे थे। पहले अच्छे दिन थे। अच्छा, अब कहाँ है अच्छे दिन? अच्छा, हमारे तो वो भी लूट लिए, जो हमारे बुरे दिन थे वे भी लूट लिए। अच्छा, मोदी ने हमारे तो सब लूट लिए। वादा किया था कि मैं आ गया तो सबके अच्छे दिन आएंगे। हाँ, अच्छे दिन आएंगे सबके, कोई अच्छे दिन ना आए। मोदी आता रहेगा, अच्छे दिन आते रहेंगे, है ना जी? को भाषण कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। हिंदू मुसलमान तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुसलमानों को दे देंगे, तुम्हारे 2 घर होंगे तो 1 घर मुसलमानों को दे देंगे। हाँ, ये भाषण बढ़िया है उसके। वो पब्लिक में खड़े होकर ऐसे भाषण देते हैं, और वो भी देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री ऐसे देते हैं, अपने विकास के लिए वोट करते हैं, अपने विकास के लिए भाषण देते हैं, ऐसे भाषण देते हैं। विकास तो मैंने कर दिया था। हाँ, विकास कर दिया, बहुत विकास करा भैया, आप देखेंगे विकास के। सुनो बेटे, विकास के ऊपर वोट देगा पब्लिक, है ना? जब विकास करा होगा तो मोदी को वोट जाएगी, नहीं विकास करा होगा तो नहीं जाएगी वोट। मोदी को नाराज काफी लग रही है, बताइए महंगाई कैसी? महंगाई चरण चरण पे है अपने, महंगाई। हाँ, रसोई चलानी मुश्किल हो रही है। रसोई खाना भी मुश्किल है, रसोई चलानी तो मुश्किल, खाना भी मुश्किल है। हाँ, 5 किलो राशन दे रहे मोदी जी। हाँ, 5 किलो राशन पब्लिक को उस पे कर दिए अपने, उस पे पब्लिक जो है उसकी मोहताज हो गई 5 किलो राशन लेने पे। और जब ये रोजगार मिलेगा ना, रोजगार मिलेगा तो पब्लिक अपने आप खाना लेगी, पब्लिक अपने आप खाना वसूल करेगी अपने हाथों पैरों से। बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत देखा ना तुमने, ये इनसे वो करते जाते हो, देखा ना है कितने बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कार ही सारे उसके जो उसमें जेब में। वहां पे बैठी थी महिला है, वो लिया जब उन्होंने मेडल ले है, जाओ तो मोदी की जय, मोदी की जय, महिलाओं की जय, वो लाए जी जीत गए। अर्ज वे उस पे बैठी धरने पे, तो लठ बजाओ महिलाओं पे, लठ बजाओ महिलाओं पे, भगाओ महिलाओं को। महिलाओं का विकास नहीं ना, महिलाओं का क्या विकास? महिलाओं के नाम पे रो पड़ते हैं। ए, मेरी बात सुनो मेरी बच्ची, महिलाओं का विकास ना हो, या जो महिला उसमें है प्रधान के पास साथ में महिला खड़ी हुई उनका विकास है, जो मोदी के भक्त है उनका विकास है, और किसी का विकास नहीं। आपने भक्त मोदी जी के? हाँ, कहाँ है हम भक्त मोदी जी? कहते मोदी जी मेरा सब परिवार है। हाँ, मोदी का परिवार कौन है? परिवार कौन है मोदी का बता बेटे, कौन? 140 करोड़ की जनसंख्या देश की। हाँ, देश की मेरा परिवार अच्छा। है हमें तो दिखता ना। हाँ, आप तो ये कर रहे 400 पार मोदी सरकार, पता ना 400 पार कैसे करेगा, चोरी से करेगा कैसे करेगा, ईवीएम को हटाओगे बचाओगे कैसे करेगा, पता ना चल रहा। ईवीएम को तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ना, सब कुछ उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का। आप बताइए क्या किसे देख रही हैं?
हमें तो सोनिया अच्छी लगी थी, सोनिया का राज अच्छा था। सोनिया गांधी का राज अच्छा था, इसका राज अच्छा नहीं है। इंदिरा गांधी का, हाँ इंदिरा गांधी का अच्छा था और इसका नहीं अच्छा। मोदी तो कह रहे हैं इनका नहीं अच्छा, मोदी का नहीं अच्छा। कब आए अच्छे दिन, अब बुरे दिन आ गए, तो बुरे दिन आ गए। ना रोजी रही, ना रोजगार रहा, ना खाना रहा, ना पकाना रहा, सब मोदी जी के परेशान। बस राशन लेके हम वो होकर राजा हो गए, राशन 5 किलो खा के अमर हो गए हमें ना, इसे हम मोल कर खा लेते वो अच्छा होता। पेंशन वेंशन, पेंशन हमारी सही आ रही है, हमारी उसके हाथ की है, राजीव गांधी के हाथ की है, इंदिरा के हाथ की है, हमारी इसके हाथ की नहीं है हमारी पेंशन। घर में पोते होते हैं, उनके रोजगार है, नौकरियां हैं ना, एक छोटे छोटे पोते हैं हमारे, ये ऐसे ऐसे पोते, ये रोजगार कर रहे हैं, नहीं है रोजगार आपके पास? नहीं है मैडम, कुछ नहीं है। अभी आपने इनसे क्या कहा था कि ये मोदी का परिवार है? मोदी का परिवार ऐसा होता है? जाके देखना मोदी का परिवार कैसा होता है। झूठ बोलता है मोदी के ये परिवार है। अरे परिवार होते तो ये इतनी अच्छी जिंदगी जीते हैं, बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं ये लोग। अरे मतलब इसमें लग गया, ना कारोबार है ना कुछ है। हमारे भैया भतीजों के पास किसी बात नहीं है, कारोबार भी नहीं है, सब खाली बैठे हुए घर में। अगर हमारा परिवार, हम लोग उसके परिवार होते, अरे भैया छुप जाओ, ये जाओ, हम उसके परिवार होते तो आज ऐसे हालात में ना जीता कोई सा भी। यही तो सोचो अपने आप से। हाँ इंदिरा गांधी के जमाने में 100 रुपए में इतना सामान आ जाया करता था, और आज 100 रुपए लेके चले जाओ, 100 रुपए में एक चीज भी नहीं की है। महंगाई कितनी कर दी है। अगर ये क्या लड़के चोरी न करे, चकारी न करे, जेब न करे, तो क्या करेंगे ये लोग? चोरी चकारी इसलिए बढ़ गई क्योंकि रोजगार नहीं है, तो फिर क्या खाएंगे ये लोग, क्या खिलाएंगे अपने घर वालों को? अरे ये तो नहीं, कारोबार सबको मिले, चाहे गरीब हो या कोई भी हो, सबके लिए कारोबार होना चाहिए, कारोबार सबके लिए होना चाहिए। मोदी जी कहते हैं मैं सबका साथ सबका विकास कर रहा हूँ, ये करते हैं जो इनके हाथ के नीचे है उन लोगों का करते हैं उनका। आप बताओ किसी को सिलेंडर दे दिया इन्होंने तो हाँ भाई हम मोदी जी, हम बोलते हैं हम तो उसमें कमल के मोल लगाएंगे, हम तो मोदी जी के भक्त हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो है। अरे यहाँ तो एक भी नहीं कहने का, एक भी कि हम उनका वो हम उन्हें वोट देंगे, इसमें चालू नहीं हो रही। अबे यूं कहेंगे ये सारे इस दिन का हमें इस मैगर टूट गया। अबे क्यों लोग बेचते, क्यों ये लोग ऐसी चीजें जो ये लोग बिगड़ रहे हैं, क्यों बिकती है ऐसी चीजें? महिला है तो ये बताइए कि रसोई कैसी चलती है? बिल्कुल खराब चलती है महंगाई की वजह से। महंगाई बढ़ी है तो लोगों की डबल इनकम भी हुई है। अरे भैया मैं कह तो रही हूँ, हमारे घर में जाके देखो, हमारे भैया भतीजे खाली बैठे गए हैं, घर में बैठे गए हैं, कहाँ है काम, कहाँ है काम बताओ? रोजगार नौकरियाँ तो लबालब भरी हुई है। अरे तो है, उनके अपनों के लिए है, गैरों के लिए नहीं है, जनताओं के लिए नहीं है, सिर्फ जनता को सिर्फ कहने के लिए है बस ये। अगर सुन मेरी, अभी मत सुनो, वो कहते हैं कि जनता के लिए ये है। अरे भाई तुम जाओ, वो ये देखो, अगर मेरी बात सुनो, अगर जनता के लिए कुछ होता तो जनता ऐसे बोलती, वाहवाही करती, मोदी की वाहवाही करती कि नहीं भाई हमारी मोदी ने अच्छा करा, मोदी ने अच्छा करा। हाँ अगर कोई सही रहा है तो इंदिरा गांधी के जमाने में या राजीव गांधी के जमाने में। बहुत बढ़िया, इंदिरा गांधी के जमाने में 50 पैसे चलते थे और आज 50 रुपए 100 रुपए भी क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा सौ का भी। दीदी आप आगे आओ थोड़ा सा। अरे भाई तू जाओ, आगे जाओ, अरे भैया आगे जाओ। गड्ढे दिए थे कांग्रेस के टाइम में, क्या दिए थे? गड्ढे दिए थे। क्या गड्ढे? क्या गड्ढे? सड़कों पर गड्ढे दिए थे। हाँ हाँ, तो अब भी आइए, अभी तुम चली जाओ कहीं पर भी, यहाँ जो तो जाके देख लो सड़क में गड्ढे गड्ढे हैं। अगर एक आध काम करा लिया तो इसे काम नहीं कहते हैं। ये बस सोच लो, जब देखो सुनो, वोट का काम होता है ना, ये जब ही आते हैं उससे पहले ये देखती नहीं जनता मर गई है जी रही है। लास्ट से पहले वोट मांगने के लिए जनता को, जनता के पास आते हैं। बस बस उससे पहले कोई नहीं आता है। अगर हमारी गली में लाइट नहीं जलेगी तो कोई झांकने नहीं आने का है। यहाँ लाओ ये अंधेरे पड़े हैं या कैसे पड़े गए, लाओ हम जाए, कोई भी नहीं आने का है। तो बहुत बुरा हाल है 10 साल में। बिल्कुल
क्या लग रहा है भैया किसे? अम्मा अम्मा कहाँ चली गई? हाँ अम्मा ये बताओ। अच्छा रसी ने लगवा का सबको मरवा तो दिया और कैसा मना? क्या लगवा रसी ने लगवा लगवा का सब मर तो रहा है? बचा दिया मैंने सब। अच्छा अच्छा रैसिन सब दुनिया मर रही, रैसिन लगा लगवा कर सबको मरवा दिया। बातचीत करने के लिए महिलाओं के मन की बात जानने के लिए आए थे, जैसे कि मोदी जी अपने मन की बात करते हैं तो यहाँ पर महिलाओं के मन की बात जानने के लिए आए थे कि महिलाओं के मन में इस बार क्या है, किसे अपना सांसद देखनी है और किसे अपना प्रधानमंत्री मोदी देखनी है और यहाँ पर क्या लग रहा है 4 जून को कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, ये बड़ा सवाल है या फिर चक्का पलट होगा। मैं आपके साथ देश का मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।